सो हाय फ्रेंड, तो कैसे आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइडर पर। सो फ्रेंड, आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो राइडर विनय के जो लीजेंडरी बाइक है 220F, उसके ऊपर वीडियो है। क्या वीडियो? उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है, क्या कुछ किया है वो तो आपको वेलिंगटन पर मतलब जो क्लिप्स है वहाँ पर आपको बताऊँगा। सो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। सो चलो चलते हैं। A few moments later. On. So guys, ये अपन 220F का भी एक काम हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लाजर इंस्टॉल हो रहा है। सो मॉक्सी कंपनी का फ्लाजर है एंड देखते हैं। यही मैं इंस्टॉल किया था हंटर पर मेरे हुआ पर से, बट अभी ये क्या बोलते हैं वेलिंगटन पर आके कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर राइडर विनय है। यहाँ पर राइडर विनय है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कुछ काम किया है। इंस्टाग्राम का लोगो दे दिया है एंड जो आईडी नेम है वो दिया है एंड इधर साइड पे फेसबुक का दिया है, स्टिकरिंग किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और यही देख के मैं भी एस राइडर जो यूट्यूब का चैनल है वो मैं बाइक के एक साइड पे इंस्टॉल किया हूँ एंड हैंडल पर भी इंस्टॉल किया हूँ। पर एक घंटा जा रहा है। चलो देखते, अभी फ्लाजर इंस्टॉल होने देते, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ कैसा लगता है। सो गाइस, यहाँ पर और एक चीज़ इंस्टॉल किया है। यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल होल्डर एंड क्या कुछ इंस्टॉल टोटल किया है वो एक बार आपको मतलब बता देता हूँ। जो इस बाइक का ओनर है उससे पूछ लेता हूँ क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। बिल्कुल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। मोबाइल होल्डर अच्छे, मोबाइल होल्डर इंस्टॉल किया है वो बोल रहा है। और विथ चार्जिंग चार्जिंग केबल भी है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिखा दो एक बार। और क्या हो रहा है? फ्लाजर इंस्टॉल करने के बाद कैसा लगता है। एंड हैलोजन बल्ब वाला इंडिकेटर है, सो इसमें देखते हैं कैसा लगता है। एलईडी नहीं है, जैसा मेरा हंटर है हैलोजन बल्ब वाला वैसा ही है। एंड सुमित भाई का भी सेम हैलोजन बल्ब वाला है, सेम इंडिकेटर है। तो चलो देखते हैं कैसा लगता है। सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा, टोटल 16 आई थिंक 16 पैटर्न है। तो सारी चीज़ एक बार आपको ऑन करके दिखाऊंगा। सो गाइस, अभी फ्लाजर किट इंस्टॉल हो रहा है 220F में, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड इसमें कोई भी आप बोल सकते हो वायरिंग वगैरह जो है बाइक का उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा है, सिर्फ कबलर टू कबलर ही हो रहा है। कबलर से जो वायर बाहर निकल रहा है उसके साथ ही इसका जो ये जो किट है फ्लाजर किट वो कनेक्ट हो रहा है। सो आप देख सकते हो। सो अभी काम होने देते हैं। एंड जो मोबाइल होल्डर था गाइस, सो उसका लगभग प्राइस पड़ा था 350 रुपीज़। एंड जो स्टिकरिंग का काम हुआ है उसका प्राइस पड़ा था 100 रुपीज़। एंड जो फ्लाजर किट का काम हो रहा है, इसका फ्लाजर किट का सिर्फ प्राइस था 300 रुपीज़ और 80 रुपीज़ का शायद स्विच का प्राइस है। देखते कितना मैकेनिक चार्ज लेता है। गाइस, फाइनली जो फ्लाजर किट था वो इंस्टॉल हो गया है एंड देख सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद अभी इंडिकेटर ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ कैसा लग रहा है। आप चेकआउट कर सकते हो एंड दोनों साइड पे आप चेकआउट कर सकते हो। हैलोजन बल्ब वाला इंडिकेटर है, उसमें कैसा लग रहा है आप चेक कर सकते हो। मतलब एलईडी होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये मानता हूँ, बट फिर भी हैलोजन बल्ब में भी बुरा नहीं लग रहा है, काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। एंड इसका जो मतलब फ्लाजर किट का टोटल जो पड़ा है कॉस्ट वो लगभग आप बोल सकते हो 500 रुपीज़ के आसपास पड़ा है। सो ये चीज़ भी आपको बता दिया हूँ, तीनों चीज़ का ही प्राइस बता दिया हूँ। टोटल मिलाकर हुआ है लगभग आप बोल सकते हो 500, 350 और 100, टोटल जा रहा है 950 रुपीज़ टोटल खर्च किया है राइडर विनय ने। सो ये चीज़ भी आपको बता दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, राइडर विनय के बाइक में जो जो काम हुआ है वो तो आपको दिखा दिया हूँ 220M में। मतलब थोड़ा बहुत काम हुआ है, बट जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। सो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप थोड़ा बहुत फन किया हूँ एंड राइडर विनय का भी चैनल है यूट्यूब चैनल, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। राइडर विनय नाम के ही है, सो जाके चेक कर सकते हो। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ट्रैवल लिंक के ऊपर वीडियो बनाता है। सो चलते यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना माय चैनल पर इस राइडर पर। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।